देश की राजधानी दिल्ली में बह रही यमुना नदी के पानी की क्वालिटी लगातार चिंता का विषय बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के बाद सरकार भी इस विषय पर बेहद गंभीर है और शायद इसी का परिणाम है कि समय समय पर मुहिम छेड़कर इसके लिए भरसक प्रयास किए गए हैं, किंतु यमुना नदी के पानी में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस ने भी इस ओर कदम बढ़ाते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा स्वच्छ यमुना निर्मल यमुना के नाम से एक मुहिम की शुरुआत की है। यमुना नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के मकसद से इस पहल की शुरुआत की गई है और गुरुवार को दिल्ली के कालंदी कुंज स्थित यमुना तट के किनारे से दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने हरी झंडी दिखाकर इस मुहिम की शुरुआत की। खास करके स्कूल के बच्चों को इसमें शामिल किया जा रहा है क्योंकि वो आने वाले टाइम के फ्यूचर सिटीजन्स हैं, उनमें भी अगर ये कॉन्शियसनेस अभी सही टाइम पे अगर पैदा हो तो आने वाले टाइम में ये स्वच्छता का मैसेज क्लीननेस के और पे हमारे देश को और भी आगे ले जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान हमने ये जगह भी इसलिए चुनी है कि ये बिल्कुल रिवर बैंक में है, यमुना नदी के किनारे हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत है कि हम स्वच्छता मेंटेन करें। दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई इस मुहिम का मुख्य मकसद यमुना नदी को स्वच्छ कर निर्मल यमुना बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने कहा कि फिलहाल इस अभियान को दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालंदी कुंज से शुरू किया गया है, लेकिन धीरे धीरे इस अभियान को पूरी दिल्ली में फैलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मुहिम में दिल्ली पुलिस को स्कूली छात्रों का भी खास सहयोग मिल रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान और स्कूली छात्र दोनों मिलकर इस स्वच्छता अभियान के तहत यमुना नदी को स्वच्छ करने का काम करेंगे ताकि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ यमुना निर्मल यमुना की इस मुहिम को साकार किया जा सके। भारत सरकार की तरफ से एक अभियान है और इस पे हम सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शामिल हैं, तो दिल्ली पुलिस भी इसमें एक लीडिंग रोल ले रहा है इस पे। तो हम ना सिर्फ अपने जितने ऑफिसेस है एस्टेब्लिशमेंट से वहाँ पर ना सिर्फ क्लीनलीनेस हम मेंटेन कर रहे हैं बल्कि एरिया में जहाँ जहाँ पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मार्केट एसोसिएशन है, उनके साथ मिलकर भी हम इस पे काम करेंगे ताकि ये मैसेज स्वच्छता की जो स्प्रेड हो। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का कितना असर पड़ता है और स्वच्छ यमुना निर्मल यमुना की ये मुहिम यमुना नदी को कितना निर्मल बना पाती है। लेकिन फिलहाल तो दिल्ली पुलिस के जवान और स्कूली छात्र मिलकर इस अभियान में जुट गए हैं जो वाकई सराहनीय और काबिले तारीफ है। यूनिवर्सल न्यूज़ के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट।